ही एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की बर्फी। तो मैंने एक लौकी ले ली, इसको अच्छे से वॉश करके पील कर लिया, फिर मैंने इसको कट कर लिया। तो अब हम इसको घिसेंगे, बस जो बीज है उसको नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ लौकी को अच्छे से वॉश करके कद्दूकस कर लिया है। तो मतलब इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, और बस इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। मैंने कढ़ाई ली, उसमें घी लिया है, तो ये घी में ही बनाई जाएगी। तो मैंने इसको मतलब इसका आप पानी भी ड्राई कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया, तो मैंने डायरेक्टली इसमें डाला। तो इसको अच्छे से भूनेंगे, और इसमें कोकोनट भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो डिस्किट कोकोनट भी डाल सकते हैं। और बस इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर यूज करा है, तो आप शुगर भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ 2 स्पून शुगर पाउडर डाला है, तो थोड़ा कम ही मीठा पसंद करते हैं। बस इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका पानी ना ड्राई हो जाए। फिर इसमें दूध डालेंगे, और दूध भी अच्छे से इसको मतलब भूनेंगे काफ़ी देर तक, ताकि ड्राई हो जाए। पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट कद्दूकस कर लिए हैं, तो इनको भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला और मिल्क पाउडर डाला है, आप चाहे तो मिल्क पाउडर ही डाल सकते हैं। फिर मैंने इसको आधे घंटे फ्रिज में रख दिया था जमाने के लिए, तो ये अच्छे से जम चुकी है हमारी बर्फ़ी। तो मैंने इसको कट कर लिया है, बस अब इसको डेकोरेट करेंगे, और ये हमारी लौकी की बर्फ़ी तैयार है। आई होप आपको पसंद आएगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। Bye.